हेलो गाइस, आपका स्वागत है मेरे चैनल में। तो आज हम बनाने वाले हैं एक 12 वोल्ट बैटरी पैक, और उसमें एक न्यू मैंने ऐड किया है कुछ। उसमें क्या है ना, उसमें 5 वोल्ट भी मिलेगा एक तरफ, 12 वोल्ट भी मिलेगा। तो वीडियो को शुरू करते हैं। तो इसके लिए आपको इस तरह के 6 सेल चाहिए होंगी। ये देखिए, मेरे पास 6 सेल हैं, ये देखिए। और आपको चाहिए होगा इसका बॉक्स बनाने के लिए MDA बोर्ड। ये देखिए गाइस, ये रहा MDA बोर्ड। पहले हम इसको देखते हैं। आपको इस तरह के दो दो के पैक बना लेने होंगे इस तरह से। ये देखिए, इस तरह से दो दो के पैक बना लेते हैं, फिर मिलते हैं। तो ये देखिए गाइस, इस तरह से आपको कर लेना होगा। अब आपको क्या करना है, इसके ये प्लस वाले को इस तरह से जोड़ देना है, इन दोनों को एक साथ, और माइनस माइनस को एक साथ जोड़ देना है। चलिए इन सभी को इस तरह से जोड़ लेते हैं। तो ये देखिए गाइस, इस तरह से आपको इन दोनों का पैक बना लेना होगा। इसमें बाय लगा देना होगा प्लस प्लस का। अब आपको क्या करना है, इसका ये माइनस जो है ना इस तरफ रखना है, और इसका प्लस वाला ऊपर रखना है। ये वाला इस तरह से आपको करना है, इसका माइनस वाला ऊपर रखना है। ये देखिए, ये माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस, इस तरह से आपको रखना है इनको। तो इस तरह से आपको रखने के बाद अब आपको क्या करना है, इसके कनेक्शन करना है। अब मैं बता देता हूँ इसके कनेक्शन कैसे करना है। इसको अभी एक लंग को रख देते हैं। अब आपको क्या करना है, इस बैटरी का माइनस और इसका प्लस एक साथ कर देना है इस तरह से। ये देखिए गाइस, इस तरह से कर देना है। अब आपको क्या करना है, इसका जो माइनस है और इसका प्लस एक साथ कर देना है। ये देखिए, ये देखिए, इस तरह से करना है। अब आपको ये देखिए, ये प्लस वाला मिल गया हमको, और ये माइनस वाला मिल गया। इस तरह से आपको करना है, इसका पैक बना देना है। अगर आपको अभी समझ नहीं आया तो मैं एक बार और बता दूंगा, पहले इसका पैक बना लेते हैं। ये देखिए गाइस, आपको इस तरह से इसका पैक बना लेना होगा इस तरह से। चलिए इसका पैक बना लेते हैं। तो ये देखिए गाइस, अब आपको क्या करना है, इसके ऊपर टैप लगा देना होगा। अब आपको क्या करना है, इन दो टर्मिनल को एक अलग कर देना है। ये 12 वोल्ट का तो है, और इन दोनों को अलग और करने हैं। इसके लिए मैं बता दूंगा इसके किस लिए कर रहा हूँ मैं, तो आगे मैं बता दूंगा वीडियो में। अब आपको क्या करना है, इसका पैक बना लेते हैं, तो आगे मिलते हैं वीडियो में। तो वैसे बैटरी को बनाने से पहले मैं इसका डायग्राम बता दूँ। ये देखिए, ये रहे 3 सेल। अब आपको क्या करना है, इसका प्लस और माइनस को जोड़ देना है। अब और ये प्लस और माइनस को भी इधर से जोड़ देना। अब आपको ये माइनस वाला पॉइंट मिल जाएगा और ये प्लस वाला, इस तरह से करना है। और BMS वाला, अभी मेरे पास BMS नहीं है, इसीलिए मैं BMS वाली नहीं बना रहा। इसीलिए आप इस तरह से बना सकते हो इस बैटरी को। तो ये देखिए, मैंने इसका पैक बना लिया है। ये देखिए, अब आपको क्या करना है, इसमें ये है ना, ये एक पैक बनाया था मैंने, उसमें से प्लस और माइनस का अलग निकाल लिया। ये 5 वोल्ट और ये रहा 12 वोल्ट के लिए दो वायर। अब हम इसका बॉक्स बना लेते हैं MDA बोर्ड से। ये देखिए, इस तरह आप अपने अकॉर्डिंग इस तरह का नाप ले सकते हो, इसका कितने बड़ी बैटरी का पैक बनाना है आपको। तो इसके बॉक्स को बना लेते हैं हम। ये देखिए, अब हम इसको बॉक्स बनाने के बाद मिलते हैं। तो ये देखिए गाइस, इस तरह से आपको बॉक्स बना लेना होगा। अभी मैं इस पर फिनिशिंग करूँगा। तो इस बैटरी पैक को इसके अंदर लगाते हैं। ये देखिए गाइस, आपको इस तरह से इसको लगा देना होगा। ये देखिए, अब आपको इसके अंदर इसको चिपका देना होगा। और आपको क्या करना है, एक MDA बोर्ड का टुकड़ा लेना है इस तरह का, इसके ऊपर। इसमें मैंने 4 होल किए हैं, इसके ऊपर आपको लगाने होंगे इस तरह के ये नट बोल्ट। ये देखिए, चलिए इसके ऊपर इसको लगा लेते हैं, तब मिलते हैं। तो ये देखिए गाइस, आपको इस तरह से इसको लगा लेना होगा इन नट बोल्टों को। अब आपको क्या करना है, इन 5 वोल्ट वाले वायर को एक तरफ लगा देना होगा, और 12 वोल्ट वाले को एक तरफ लगा देना होगा। चलिए इसको लगा लेते हैं। तो ये देखिए गाइस, ये हमने 5 वोल्ट वाले ये वायर लगा दिए हैं। अब आपको क्या करना है, ये 12 वोल्ट वाले वायर को भी इधर लगा देना होगा। तो इसको लगा लेते हैं। तो ये देखिए गाइस, इसके सारे कनेक्शन हो चुके हैं। अब हम इसको बैटरी को इस बॉक्स के अंदर पैक करते हैं। चलिए इसको पैक कर लेते हैं। तो ये देखिए गाइस, ये बैटरी पैक बन के रेडी हो चुका है। अभी मैंने इस पर फिनिशिंग नहीं दी है, तो इसकी टेस्टिंग करा के दिखा देता हूँ मैं आपको। ये देखिए, ये रही 12 वोल्ट की बैटरी मोटर। ये देखिए, इसको चला कर देखते हैं। ये देखो, इसमें स्पार्क आ रहा है। ये देखना, इतनी हैवी है मोटर कि ये पकड़ में नहीं आनी। और मेरे पास है ये 5 वोल्ट की LED, इसको भी चेक करके देखते हैं। ये देखो गाइस, ये देखिए गाइस, ये बढ़िया जल रही है। और इस तरफ से आपको 12 वोल्ट मिलेंगे, इस तरफ से आपको 5 वोल्ट मिलेंगे। अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। हम मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक फॉर वॉचिंग।